ही स्टार्ट करने लगे हैं बहुत ऑथेंटिक सा व्लॉग जो कि मैंने करना है प्रैंक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसडब्ल्यू माइंड ब्लोइंग व्लॉग, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। तो भाई आज के ब्यूटीफुल और न्यू व्लॉग में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा खुशामदीद, बहुत ज्यादा मेरे व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो भाई आज की जो है सुबह हो चुकी थी, उठ चुके थे, नाश्ता कर लिया था, रेडी हो गए थे, सफाई कर ली थी, सब कुछ हो चुका है। अब बारी है व्लॉग की, ठीक है। तो ऑथेंटिक व्लॉग के साथ आप लोगों ने टाइटल देखा, थंबनेल देखा, हाइलाइट्स देखे, लिटिल बिट आइडिया हो गया, लेकिन मजा तब भी नहीं आया होगा। मजा आएगा फुल व्लॉग देखने के बाद विदाउट डोंट स्किप, ठीक है। तो भाई अभी स्टार्ट करने लगे हैं बहुत ऑथेंटिक सा व्लॉग जो कि मैंने करना है प्रैंक। जी हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे डू फेक ब्लड प्रैंक विद योर हबी, डू फेक ब्लड प्रैंक प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि भाई मुझे कर लेना चाहिए फेक ब्लड प्रैंक अपने हबी के साथ, और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो अपनी फैमिली मेंबर के साथ भी करूंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आज का न्यू व्लॉग बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होने वाला है, एनर्जेटिक के साथ, ठीक है। रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं किचन में, प्लान करते हैं कि भाई फेक ब्लड प्रिंट बनता कैसे है। आई हैवंट आइडिया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर अभी तक चैनल पे नए हो और ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि गर्मी खत्म क्यों नहीं हो रही, इतनी बारिशों के बाद भी इतनी शदीद गर्मी कोई पड़ रही है कि मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि भाई सफाई वगैरह हमने कर ली थी रबी अव्वल से पहले ही, ठीक है, लेकिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी अप डाउन हो रही थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं, आपको थोड़ी दिखाती हूँ रूम, थोड़ा सा हमारा रहता है रूम, हमने क्लीन नहीं किया अभी ना क्योंकि बहुत ज्यादा टाइटनेस हो रही थी, तो इसीलिए रूम को हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन सफाई कर लेंगे, क्लीनिंग कर लेंगे, एंड उसका इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी मस्ट। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि सफाई हमारे घर की हो चुकी थी और माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन भी हो रहा है। हमारा पूरा किचन जो है बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था हमने, नीचे वीचे की सेटिंग कर ली थी यहाँ की, इसके अलावा ये पोर्शन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था हमारा, ये वाला सारा पूरा सब धोया था, वॉश किया था सब कुछ ऐसे, और ये स्टोर हमारा जो कि बहुत फैला हुआ था, नाउ मच बेटर, बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है, ठीक है। चलो भाई, सो जी हाँ, अभी जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है क्या फेक ब्लड प्रैंक। सबसे पहले चलते हैं और जो है डिसाइड करते हैं कि फेक ब्लड प्रैंक करना कैसे, ठीक है, काशान के साथ। अभी काशान जो है घर में मौजूद नहीं है, देख सकते हैं आप लोग घर में, ठीक है। काशान अभी घर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं, थोड़ा सा मैंने सोचा जब तक वो बाहर गए हुए हैं ना इससे फायदा उठाते हैं, ठीक है, इससे ये फायदा उठाते हैं कि उनके साथ करते हैं एक ऐसा प्रैंक जिसका उनको जहनो गुमान में आइडिया ना हो, बल्कि ये समझ लें कि रिवेंज है। और कौन सा रिवेंज है? ये उस व्लॉग का रिवेंज है जो उन्होंने मेरे साथ करवाया था, ये वाला व्लॉग आपको याद होगा 24 आवर्स का, जो उन्होंने मुझे इतने टिपिकल जो टास्क दिए थे, तो वो वाला जो है ना उसका रिवेंज समझ लिया, ठीक है। चलो लेट्स गो, मैं आज बना रही हूँ चिकन पुलाव, ठीक है। तो मुझे एक आइडिया आया है सडनली, एंड दैट इज कि यार चिकन पुलाव बना रहे हैं उसके साथ जो है चटनी तो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, लाल वाली चटनी जो होती है ना वो, तो हम करेंगे ग्राइंड, ठीक है, ग्राइंड करेंगे। और किसके सामने? जब काशान घर पे आ जाएंगे तो हम करेंगे ग्राइंड अपनी चटनी को, और उसी दौरान हमारे हाथ से निकलेगा क्या फेक ब्लड जो कि हाथ पे लगा हुआ होगा पहले से ही ऑलरेडी, ठीक है। सिर्फ हमने ऐसा उनको ऐसे ट्रीट करना है, ऐसा रिएक्ट करना है कि भाई हमारे हाथ से जो है ना, मतलब मेरे हाथ से जो है ना खून निकला है, सही है। तो ये किचन में लेके चलते हैं सबसे पहले, ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है, चटनी की तैयारी करते हैं जी। ये और अब हम करेंगे व्हाट, हाउ टू मेक फेक ब्लड, ठीक है, हाउ टू मेक फेक ब्लड। यस फाइनली आ गया है, ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है।
ओ ठीक है, तो भाई हमें जो है मिल गया है आइडिया कि फेक ब्लड किस तरीके से बनाना है। सो लेट्स गो और तैयारी करते हैं, किचन में चलते हैं। A few inches later. तो गाइस ये रहा मेरा चटनी का सामान जिसको मैंने ग्राइंड करना है इसके अंदर, और चावल ये मैंने फ्लाउट के लिए पहले से भिगो के रख दिए थे ताकि जो है ये अच्छे से जो है थोड़े से बड़े बड़े हो जाए और फिर आराम से बन सके। एनी वेज यहाँ पे हमें ढूंढना था अपना चटनी ग्राइंड करते हुए हमने लेना है फेक ब्लड फ्रैंक। उसके लिए हमें चाहिए ये, ठीक है ये है हमारा रेड कलर। A few moments later. So finally guys, देखे look at this and really ये जो है ना बिल्कुल फेक ब्लड वाली जो है, बिल्कुल रियल बल्कि रियल ब्लड वाली जो है बिल्कुल वाइब्स आ रही है इसमें से। ये देखें बिल्कुल ऐसा है ना, और जब ये हाथ पे जाएगा स्किन कलर पे मेरे हाथ पे तो जब तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ये फेक कलर है, फेक जो है वो ब्लड कलर बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता है ना ये कलर है तो मुंह से रियल निकल रहा है, ट्रुथ निकल रहा है, लेकिन ये जो है फेक ब्लड है ठीक है जो मैंने बनाया है अपने लिए, और ये चटनी मैंने इसके अंदर रख दिया। सिर्फ मुझे इसको प्रेस करना है, चटनी मुझे अपनी ग्राइंड करनी है। तो अभी इंतजार करती हूँ मैं काशान का, काशान जैसे ही आते अपना कैमरा हाइड कर देती हूँ और फिर उनके साथ जो है अपना ये फेक ब्लड प्रैंक जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि उनका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं। सही है, सो स्टे कनेक्टेड। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर फ्लैश ऑफ करके ना यहाँ पर कैमरा जो है ना हाइड करूंगी, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नजर आए। ग्राइंड यहाँ करीब है तो इसलिए पूरा प्रॉपर आपको ये सीन जो है ना नजर आएगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड करूंगी फ्लैश ऑफ करके, तो यहाँ पे मैं अभी से जो है रख देती हूँ और जो है रिकॉर्डिंग हमारी होती रहेगी। जैसे ही काशान आने लगेंगे ना तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सा प्रैंक। Eternity later. ये कैमरा जो है मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है, होप सो कि आपको मेरी नजर आ रही होंगी क्योंकि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ये कैमरा जो है वो बेस्ट मैन, ठीक है। अब ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि खाना बना रहे हैं, चटनी ग्राइंड करेंगे उनके आने के बाद। सही है, उनके आने का वेट करते हैं, जैसे ही वो आते हैं और अपना जो है प्रैंक जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है फेक ब्लड प्रैंक। जिस तरह मैं घर में रहती हूँ बिल्कुल उस तरह। कहाँ से आप इतनी देर से क्यों आए? क्या बैटबॉल खेल रहा था? बहुत देर से आए लेकिन जल्दी आना था। पुलाव बना रही हूँ, चिकन खाएंगे? हाँ बस बनने वाला है, थोड़ा सा बस थोड़ी सी देर भी बन जाएगा। यार एक प्लेट है ना। क्या दो प्लेट? क्या करना है अभी? मामा भी हम लाए ना। अच्छा कितना टाइम लगेगा खाने में? थोड़ा सा आवाज लगा दूंगी, बल्कि नहीं चावल भी डालने हैं मुझे। लाइन जाने में कितना टाइम है? अच्छा सामने ही टेले जा रहे हैं, जा ही नहीं रहे, कहीं छुप के बैठे हैं ना, तो मैं स्टार्ट करूं फिर। आराम कर ले आप, ऐसे ऐसे क्यों घूमे जा रहे हैं कब से हैं? मोबाइल यूज कर रहे हैं क्यों? ये किसके लिए बना रही हूँ चिकन पुलाव? कि बाहर से खाना
ऐसी चीज जैसे शेक शेक शेक्स वगैरह नहीं होता मिल्क शेक वगैरह तो पिला दे बोले खिला दे क्या पिला दे बोले आराम कर ले जाए बस बनता है तो मैं देती हूँ खाना कहाँ कहाँ बाहर क्यों बिरयानी बैठ जाते हैं काशन मोबाइल चला रहे हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैंक ठीक है होप्स आपको नजर आ रहा होगा कटोरी छुपा दो सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ 15 मिनट्स लेटर देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल फेक जो है हमारा जो रियल ब्लड है नीचे खून के कतरे भी गिरा हुआ मेरा हाथ कैशन क्या हुआ क्या उल्टी सीधी हरकतें हैं ये उल्टी सीधी हरकतें मतलब क्या उल्टी सीधी क्या इसमें हरकतें हैं जी वो सबको जमा कर लिया क्या मतलब क्या किया था ये देख रही हो अच्छा? हर बंदा परेशान हो गया अच्छा नहीं लग रहा क्या ना प्यारा से लग रहा है प्यारा लग रहा है ये हरकत नहीं करना ऐसा ना हो को कभी तुम्हें हो जाए कोई सीधा अल्लाह ना करे कोई आए नहीं अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं अल्लाह ना करे लेकिन ये तुम उल्टी सीधी हरकत कर रही हो तो इसका क्या मतलब है करो बन गई बंद करो इसको क्यों बंद करूं क्या हो गया क्यों बंद करूं भाई भाई मेरे पास आ रहे थे बहुत ज्यादा कमेंट कि आप जो है ना फेक ब्लड कमेंट्स आएंगे कि छत से कूद जाओ काशन को कूदवा दो क्या मुझे कूदवा दोगे तुम अल्लाह ना करे
अच्छा एक बात बताए सीरियसली, आपको क्या लगा था, क्या क्या लगेगा जब मैंने देखा ये? मैं पहले समझा था मजाक है, जब खून देखा तो मैं समझा क्या है, और जब आवाज आई तेज वाली है ना, खून कहाँ से लाए तुम? क्या ये मेरा दिमाग सबसे पहले मैंने लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, क्यों? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यार। अच्छा तो था? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने पहले आइडियाज लिए कि भाई मुझे किस तरह फेक ब्लड बनाना चाहिए, फिर मैंने सारी प्लानिंग की कि यार काशा अभी घर में नहीं है तो चलो प्लानिंग करते हैं। चटनी बनानी थी क्योंकि पुलाव बना रही हूँ, ग्राइंड करनी थी तो ग्राइंड के चक्कर में मैंने पहले हल्के वाली की फिर तेज वाली आवाज में मैंने शॉटिंग की ताकि ऐसा लगे कि मेरा हाथ खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में। कौन सी ब्लैक वाली कहाँ है वो? कौन सी शर्ट? ये वाली गेरी खून के धब्बे यार सच में। अच्छा कोई बात नहीं ना, आइंदा नहीं करना ऐसा, मैं बता रहा हूँ बस। सॉरी समझ नहीं आया, ये जो किया है ना तुमने, ये गंदगी जो की, अल्लाह माफ करे। हाँ तो क्या लग रहा है ये? क्या लग रहा है मतलब? साफ करो, बिल्कुल साफ होना चाहिए पूरा किचन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये देखो नीचे लोगों को बेवकूफ बना रही हो, तुम्हारे व्यूअर्स बोले हैं कि तुम 24 आवर्स अपने छत पे बैठ जाओ, बैठोगी अकेले? हाँ, और बोलेंगे कि छत से कूद जाओ। तुम्हारे हाथ बाकी खून के लग रहे हैं तो करना ही ऐसा था कि सब, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं करा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये रिवेंज है, मैं भी रिवेंज करूंगा। ये रिवेंज है, कौन से वाले का? ये उसका रिवेंज है, आपने मेरे साथ किया था ना सेम जस्ट 24 आवर्स का। बता रही हूं आपके साथ करके, मेरे साथ भी करवाया था शायद आपने, लेकिन मैं आपके साथ अब ऐसा करवाऊंगी ना कभी इंशाल्लाह, कोई ऐसा प्रैंक चैलेंज करूंगी ना हाई लेवल का कि याद रखेंगे आप। तुम्हारे साथ रिवेंज करूंगा, ऐसा करूंगा क्या? मैंने उसमें ही कह दिया था कि मैं आपके साथ ऐसा हाई लेवल का करूंगी ना, कशन आपके जहनों को मान में नहीं होगा। और देखें मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें, बोल दैट इज ट्रू हो गया। ठीक है फिलहाल अभी तो मैं हैंड वॉश अपना करती हूं, उसकी सफाई करती हूं, ठीक है? उसके बाद मिलती हूं आप लोग। 15 मिनट्स लेटर तो थोड़े से टाइम बाद जो है मैंने हैंड वगैरह वॉश कर लिया, लेकिन अभी भी इसकी जो डार्कनेस है ना कलर वगैरह की जो है वो अभी तक मेरे फेस पे लगी हुई आई थी, और जो है ना हैंड पे भी लगी हुई है, दिखाते हैं। पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैशन को देखें, कैशन क्या कर रहा है? किसको कर रहा? अच्छा खैर, अच्छा मेरा प्रैंक आपको अच्छा लगा? अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। बुरा क्यों लगा? जस्ट अच्छा लगना चाहिए, बुरे के चांसेस ही नहीं है। बुरे के तो चांसेस नहीं है, लेकिन सही चीज नहीं है ये। देखिए मैंने हाथ शॉक करना, क्या दिखूंगा? अभी तक कलर नहीं गया, कलर तो लगा हुआ है। कलर नहीं गया अभी तक, ये दिखा रही हूँ। चले आएगा कलर, अभी तक नहीं लगा गया। किस तरह मैंने किया मानते है ना मुझे? मानता हूँ इंसान हूँ। इंसान हो तो मानते, इसके अलावा मानते है ना कि प्रोफेशनल ब्लॉगर है ना। चले ठीक है, अब करती हूँ अमेजिंग सा यहीं पर दी एंड। जो तुम्हारे साथ करूंगा ना प्रियंकशम से ना, तुम्हारे मैंने पांव में जमीन निकाल दी ना, मेरा नाम काशन। ऐसा कौन सा करना है भाई? बस देखते हो नहीं, ऐसा कोई प्रैंक नहीं करना बता रही हूँ। अच्छा ऐसा कोई प्रैंक नहीं करना भी बता रही हूँ मैं आपको, करूंगा मैं। 1 hour later तो फाइनली भाई मैंने किया काशन के साथ बहुत अमेजिंग सा प्रैंक, और बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आया जिस तरह आप लोगों ने देखा। होप सो कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। अब करती हूँ अपने ब्यूटीफुल सा मजेदार सा व्लॉग का दें एंड, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नए कॉन्टेंट के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, और इसके अलावा जल्दी जल्दी बोलने में गलत अल्फाज निकल जाते हैं मुंह से। काशान के साथ यहाँ प्रैंक किया, और काशान के साथ प्रैंक करके मुझे आ गया बड़ा मजा। काशान को मुझे मेरे ख्याल से वो गुस्सा आ रहा था। सब तुम्हें आएगा जो मैं प्रैंक करने वाला हूँ और करूंगा। शुक्र है बता दिया आपने मुझे। अब मुझे आपने बता दिया, अब मैं पहले से श्योर रहूंगी कि यार हो सकती है। क्यों? मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा चले लेट्स सी। खैर एनीवेज अब करते हैं अपने ब्यूटीफुल सा व्लॉग का दी एंड, होप सो यू विल लाइक दिस अमेजिंग व्लॉग। इंशाल्लाह बहुत जल्दी न्यू कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने इस व्लॉगर को इजाजत दीजिए।
अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखे, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।